बोलिया रे इतना दर्द गुरु चेले पे और यू सहना मुश्किल हो जागा पर गोपी चल पे प्याही ले मा कहना मुश्किल हो जागा इतना दर्द गुरु चेल पे सहना मुश्किल हो जागा पर गोपी चल पे प्याही ले मा कहना मुश्किल हो जागा इतना दर्द गुरु चेल पे सहना मुश्किल हो जागा चंद्रमा पे रे चौदस के चंद्रमा पे गुरु कहना मुश्किल हो जागा ओए गोपी चल पे प्याही ले मां कहना मुश्किल हो जागा इतना दर्द गुरु चेल पे सहना मुश्किल हो जागा पचास रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। और बड़े भाई सुमित बैसला जी, हर केस पहलवान जी हताना से, हताना से 50 रुपए देते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। और 200 रुपए आदरणीय मेरे बड़े भाई सुमित बैसला जी हमारे गांव पहलादपुर से, वो भी 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। मेहरबान हो, तीसरी गली में किस तरह से हाथ जोड़ के गोपी चंद गुरु के सामने खड़ा हुआ है। गुरु जी
तसो इंद्रियों पर आपने काबू करना बताया है उसे भी कर लूंगा, आठोयाम भजन करना बताया है उसे भी कर लूंगा, लेकिन जो मेरी अर्धांगिनी है जिसके साथ में मैंने सात फेरे लिए हैं, मैं उसे माँ कैसे कह सकता हूँ? और के लगा भला जगत में, दुनिया करे मखोल जगत में, मेरा रहना मुश्किल हो जागा, पर दो किचन में प्याही ले वास्तेरा मुश्किल हो जागा, इतना दर्द गुरु चिल पे पिंटू जी ऊंचा गांव से 101 रुपए देते, बार बार धन्यवाद करते हैं। और 101 रुपए आदरणीय रामावतार गुजर जी अस्तौली से, वो भी 101 रुपए देते, बार बार धन्यवाद करते हैं। और 101 रुपए आदरणीय हमारे अंकल जी बिजंदर फौजी जी टीकरी ब्राह्मण से पलवल, वो भी 101 रुपए से अपना आशीर्वाद देते, बार बार धन्यवाद करते हैं, मेहरबान हो। और 101 रुपए आदरणीय हमारे दादाजी आदरणीय लाल सिंह मेंबर जी पाछोल से, वो भी 100 रुपए से अपना आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। लास्ट बात में किस तरह से गोपीचंद कहने लगा और क्या बोला, भाई 2100 रुपए पहले और 100 रुपए से फिर से अपना आशीर्वाद देते हैं आदरणीय शोभाराम भगत जी, वो भी 100 रुपए देते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। लास्ट बात में क्या कहने लगा गोपी चंद,